हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके ही चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं होने वाला कल का जो विंसी टी टेन का लीग का मैच है जीआरडी वर्सेस एसपीवी वर्सेज ग्रेनेडाइंस डाइवर्स वर्सेस सॉल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स के बीच जो मैच होने वाला है इस मैच की वीडियो तो इस मैच की वीडियो कवर कर दिए फटाफट जाके देख सकते हो और इस मैच की वीडियो कवर करने जा रहे हैं उससे पहले बता देते हैं आपको कि जो हमारी ग्रैंड लीग वगैरह में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है स्मॉल लीग तो हमारी विन हो ही रही है काफ़ी अच्छी तरीके से प्लस देखा जाए तो ग्रैंड लीग में हमारी बहुत क्लोज रैंक आ रही है और हमें लगता है कि बहुत जल्द ही ग्रैंड लीग में रैंक वन में जाएगी कि दो लाख ,00 में रैंक सेवन आ रही है आज छः लाख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड लोगों में आई है रैंक एट्टी फाइव हमारे सब्सक्राइबर्स की तो वही है कि वीडियो जो देखेगा वही फ़ायदा उठाएगा और कुछ ही चेंजेस करने होते हैं जो वीडियो में अच्छे से बताता हूँ अच्छे से सुना करो और एक दो चेंज इधर करोगे तो काफी अच्छा आप रैंक ला सकते हो और जल्द ही एक रैंक वन भी आ सकती है तो वही बोलते हैं शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखो बिना स्किप किया और काफी अच्छे से एनालाइज करो जो बात बोलता हूँ ठीक है यहाँ बात करते हैं बातें विकेट वे, कीपिंग सेक्शन में आपको जाना किसके तो उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नया आया तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर आपको हमारे यूट्यूब चैनल का नाम नीचे दिखाई दे रहा होगा ड्रीम इलेवन डॉक्टर के नाम से स्पेलिंग एक बार आपको बताया था हूँ फिर भी डी आर ई ए एम इलेवन डॉक्टर डी ओ सी टी ओ आर जब ये टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको नौ हजार प्लस सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल दिखाई देगा फटाफट से तो चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना और जो चैनल पे रैंक फोटो लगी हुई है ग्रैंड लीग में रैंक वन की लगी हुई है तो वही चैनल हमारा ड्रीम इलेवन डॉक्टर के नाम से और कोई चैनल नहीं है तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना ड्रीम इलेवन डॉक्टर के नाम से ठीक है तो आते हैं विकेट विकेटिंग सेक्शन में आपको जाना किसके साथ है किस तो आपको जाना विकेट कीपिंग सेक्शन में इसके साथ इसके साथ इसके किसके डब्लू हाफ पर क्योंकि आज इसने विकेट कीपिंग करी है और प्लस देखा जाए तो इसको रिसेंट स्टार्टिंग में दो तीन मैच में ओपनिंग भी करवाया गया था जहां देखा जाए इसने बैटिंग तो अच्छी की थी बट बहुत स्लो बैटिंग की थी जिसमें एक सेकंड मैच मुझे याद आता है जिसमें इसने बहुत स्लो बैटिंग करी थी पूरी टीम इसकी जल्दी मतलब पूरे इसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आउट गया था दस ओवर खेले और स्कोर बोर्ड में सिर्फ इक्कीस रन मार के गया था जिस के कारण क्या कहते हैं कि जो इनकी टीम सिलेक्शन सलेक्शन थे उन्होंने सोचा कि यार एक बंदा जो स्ट्रीट है जैसे फॉर्मेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्रीज में रहता है फिर भी इतने इक्कीस रन मारता है तो उनको थोड़ा बेनिफिशियल नहीं लगा इसको फिट कर दिया ड्रॉप नीचे बैटिंग में और आई थिंक एक मैच में ड्रॉप भी किया था थे मुझे यहाँ तो कह रहे हैं हाँ ये कल वाला ही मैच था तो वही था बाकी अच्छा बैट्समैन है थोड़ा रुक के खेलता है स्लो खेलता है तो इसलिए हम इसके बाद जा रहे हैं ओपन आज भी ओपन कराया था आई थिंक कल भी करवाएंगे बात करें एस विन की बात करें एस विन का जो आई थिंक आपको एक बार इसका स्टैट्स देता बताया आपको बैटिंग वगैरह से बैटिंग से है इसकी थर्टी एट की एवरेज थर्टी एट एट की एवरेज बहुत अच्छी एवरेज है पर ये क्या है कि इसका बैड लक क्या है कि जो इसकी टीम में सुनील प्लेयर है जो बहुत सारे खुद ही मतलब उनका टॉप ऑर्डर थोड़ा अच्छा है मतलब एक दो प्लेयर जो अच्छे हैं नीचे वालों के बैटिंग आने ही नहीं देते इसमें से कारण एस तो इनकी बैटिंग नहीं आ पा रही है अगर आप ग्रैंड लीग में थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो थोड़ा डिफरेंट करना चाहते हो ग्रैंड लीग में दो तरह की टीम बनती है सेफ ग्रैंड लीग और रिस्की ग्रैंड लीग सेफ ग्रैंड लीग उसे कहते हैं जिसमें आप चाहते हो कि एटलीस्ट आपका एंट्री फीस वापस आ जाए उसमें आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेते थोड़े बहुत एक दो रिस्क लेते हो और रिस्की ग्रैंड लीग वो थी आप चाहते हो कि आपको बड़ा अमाउंट मिले या तो आपको एंट्री फीस भी वापस नहीं चाहिए तो उस टीम में जिस रिस्की वाली में आप इसे ट्राई करते हो एस सी एन अपनी ग्रैंड लीग की टीम में आर लेचमैन की बात करें लेचमैन ने अभी टीम से विकेट कीपिंग कॉन्ट्यूस कर था। पर आज इसे खिलाई नहीं इसकी जगह डब्ल्यू हापर ने बैटिंग करी तो हम हापर पर कह जाएंगे और हापर नहीं खेलेगा फिर लेचमैन के साथ जाएंगे तो यही है क्योंकि हमें विकेट कीपिंग को ध्यान देते हुए चलना है और डब्ल्यू हार्पर की एवरेज है सोलह की सबसे बढ़िया एवरेज इन तीनों में एस ट्विन की थर्टी एट की इसकी सोलह की एवरेज इसकी सोलह की एवरेज तो देख रहे हो कितना फर्क है बट वही है कि इसका सिलेक्शन रेट बहुत कम है क्योंकि इसका जो बैटिंग जो है टॉप ऑर्डर सुनील एम्बे नेट जैसे प्लेयर है जो बैटिंग नहीं आने आते तो ओरनल थॉमस नाम का प्लेयर भी आ गया वो भी अच्छी बैटिंग कर रहा है तो ये फ़र्क है ग्रैंड लीग की इसकी टीम में से ट्राई करना बाकी सो करना इग्नोर स्मॉल लीग की टीम से भी अगर खेलता है इन दोनों में से कोई तो उसको ले लेंगे बात करते हैं तो सुनील को तो करके लिया इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है और बहुत अच्छी टीम इंडिया इंडिया के साथ खेल चुका है और अच्छे अच्छे प्लेयरों के साथ खेल चुका है तो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस प्लस दो वर्ड आ रहा है आंख बन करके स्मॉल लीग में कैप्टन के लिए किसी और के बारे में सोचना ही नहीं है इसी को लेना है यहाँ बात करें आर वॉकर की तो आर वॉकर के बारे में एक बात और आपको बता देता हूँ मैं अट्ठाईस मैच में थर्टी सिक्स के एवरेज है यहाँ पे आर वॉकर की तो भाई एक मतलब ना एक अजब लेवल का प्लेयर है बट वही है कि परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रही है और नीचे इसको डि, डिमोट कर रहे प्रमोट नहीं कर रहे और बाई चांस जिस दिन इसका दिन हुआ और इसको ऊपर बैटिंग करवा दी तो भाई ये चल गया उसका दिन हुआ तो आपको अच्छा खासा विन करा सकता है क्योंकि इसके एवरेज थर्टी सिक्स टी ट्वेंटी से फॉर्मेट में तो ग्रैंड लिक इसकी टीम में बनती है ये पिक आर वॉकर ए ने जिस जब से बैटिंग करने आया लास्ट चार मैच स्टार्टिंग में दो तीन मैच में निकला था दो मैच में निकला था उसके बाद जब से आया भाई ने क्या तूफान मचा रखा है कम बॉलों पर ज्यादातर मारता है इसकी टीम में दो ही प्लेयर खेल रहे है अच्छा एक हुपर खेल रहा है अच्छा बैटिंग से और ये दूसरा नंबर पर ये तो यही दो प्लेयर अच्छा खेल रहे तो दोनों में से में स्मॉल लीग में इसको मिस नहीं करना था पर ग्रैंड लीग में हमें ऐसे रिस्क लेने पड़ेंगे इसको मिस करके किसी और को ले सकते हो यहाँ पे एस ब्राउन की बात करें तो एस ब्राउन ने पहले मैच में आई थिंक 24 रन की इनिंग खेली थी मुझे याद है अभी तक उसके बाद बिल्कुल फ्लॉप सा रहा है आज इसने शायद दो छक्के मारे हैं इसने नीचे इसको सेकंड डाउन भेजा गया था और हर मैच में इसको ओपन करवा रहे थे बट आज क्या हुआ ऊपर को ओपन करवाया तो इसको नीचे भेज दिया क्योंकि बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था ओपन में तो ये आपके लिए स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल पिक नहीं बनती ना ग्रैंड लीग में मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करने वाला थोड़ा ठीक है बट जैसे ओपन कर रहा था ओपन में इतने परफॉर्म ही नहीं कर पाँच छः चार पांच मैच हो गए थे तो इसलिए मैं इसको थोड़ा इग्नोर ही करके चल रहा हूँ यहाँ बात करें आर पी ए की आई थिंक एवरेज बता देते हैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बैटिंग में है 25 मैच में 27 की एवरेज एवरेज अच्छी है पर इसको खिला नहीं रहे आई थिंक यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं खिलाया बीच दो मैचों में आज खिलाया ठीक है आपके लिए ग्रैंड लीग वगैरह के लिए इतना बोलूंगा क्योंकि सैमुअल जैसा प्लेयर हमारे पास है अभी तो तो फिलहाल मैं इसके बाद जा रहा हूँ आर को थोड़ा इग्नोरी करके चलूंगा मैं ठीक है एस ब्राउन को थोड़ा कंसीडर कर, कर सकते थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते यहाँ पे के नेट की बात करें इसको तीन चार मैच में स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं भेजा था ओपन और जब से इसको ओपन भेजा है इसने 50 मारी उस मैच में और उसके बाद आज आज भी इसने 46 रन की बहुत अच्छी इनिंग खेली तो एम्ब्रेस के साथ काफी अच्छी पार्टनरशिप भी जमा रहा है और दोनों ही काफ़ी अच्छे रन मार लेते हैं काफी हद तक टीम को जिताई देते हैं और यहाँ बात की जाए है जो स्टैट्स थे जो मैच टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले की सोलह की एवरेज थी तो सोलह की एवरेज देखा जाए तो इतनी इंप्रेसिव नहीं थी बट इसकी बैटिंग देख के लग रहा है कि भाई एक अलग लेवल का प्लेयर के स्टैट्स है वो बैटिंग से बिल्कुल मिस मैच हो रहे हैं तो एक अच्छा खासा बैट्समैन है इसके स्टैट्स पहले के थे तो वो बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं सोलह की एवरेज थी तो डी हेक्टर की बात कर सी जो उनको कर है इग्नोर डी हेक्टर की बात करें डी कर हेक्टर आपके लिए अच्छी पिक हो सकता है बट क्या है कि ये सिर्फ बॉलिंग के कंसिडर कर लिया जाए पर बैटिंग में भी इसकी ठीक ठाक एवरेज है सत्ताईस मैच में 26 के एवरेज है बैटिंग से पर 9 विकेट पर इस टूर्नामेंट में देखा तो कुछ उल्टा ही हो रहा है बैटिंग से बिल्कुल रहा है फ्लॉप आज इसको बैटिंग में कर दिया गया नीचे बैटिंग इसकी आई नहीं और अभी तक इसको बैटिंग करवा रहे थे दस रन से ऊपर शायद इसका दस रन हाइस्ट स्कोर थे पूरा टूर्नामेंट में और बॉलिंग में या ले चुका है शायद से कल इसने दो विकेट ली थी और इसने शायद एक या दो विकेट ली थी और एक पहले वाले मैच में इसने एक ओवर डाला उसमें तीन दो तीन विकेट ली थी तो इसे बॉलिंग करवा रहे पे आधा बस यही इसको करवा रहे तो बाकी मैं वो अपनी टीम में इतना कंसिडर नहीं करना चाह रहा क्योंकि बैटिंग से हो नहीं रही है अभी तक इसको इतना परफॉर्मेंस दिया बैटिंग से बिल्कुल फ्लॉप रहा बॉलिंग से मैं इसके स्ट्रैट्स इतना बताते नहीं कि विकेट टेकर बॉलर पर सरप्राइजिंगली कभी विकेट टेकर ले जाता पर इसके साथ ये बड़ी दिक्कत है इसको जब सोचोगे नहीं चलेगा तो चलेगा और जब सोचोगे चलेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा तो इसके बाद कुछ ऐसा सीन है तो इसको रखते है अभी होल्ड में आप अगर लेना चाहते हो ले सकते हो सही पिक है बॉल डाल लेता है बैटिंग भी कर ही लेगा इसको भेज देंगे बट उर्नैल थोमस से अच्छी बैटिंग करेगा तो उर्नलैल से उसको नीचे भेजेंगे तो बैटिंग मुझे लगता नहीं अब इसकी आने वाली है तो बॉलिंग ही बेस पर आपको टीम में पॉइंट दिलवाएगा ये एपर की बात करें तो बहुत इंप्रेस कर अपनी टीम से बहुत अच्छा ऑलराउंडर है काफी अच्छे स्टैट से ज़्यादा बोलने की जरूरत है कैप्टन वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस है एमर्रिस ये लेने की बात की लास्ट दो मैच खेला नहीं है और ठीक थी इसके एवरेज आया बारह मैच में तीस की एवरेज है बैटिंग से और पंद्रह विकेट है जे लेने के विकेट टेकर बॉलर भी प्लस देखा जाए तीस की एवरेज मेंटेन करता है अगर खेलता है लास्ट दो मैच में खिलाया नहीं अगर आपको खेलता है, दिखता है ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ट्राई कर लेना और प्लस स्माल लीग की टीम में भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आप जे लेने का उसके परफॉर्मेंस बिल्कुल निकल के नहीं आई तो ग्रैंड लीग के लिए बहुत बेस्ट चॉइस बन जाता है आपके लिए जे लेने यहाँ बात करें रेजिन ब्राउन की तो इसने बहुत इंप्रेस करा और रिचर्ड ब्राउन दोनों अपनी टीम से दो दो ओवर कंप्लीट कर रहे हैं स्टार्टिंग में कभी एक ये डालता था कभी एक ये डालता था ब्राउन रिचर्ड और तो रिचर्ड और ये दोनों में ये था रिचर्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और मैंने कल वाली वीडियो में ग्रैंड लिंग में का भी था अगर रिस्क वाली ग्रैंड लीग की टीम में इसको जरूर ट्राई करना आपको कभी सरप्राइज करता है इसने सरप्राइज आज कर ही दिया यहाँ बात कर ले जाए तो आप इन दोनों में से दोनों को अपनी टीम में रखना है स्मॉल लीग में क्योंकि दो 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 ओवर डाल रहे हैं और यहाँ पे देखा जाए तो आर रिचर्ड इससे ऊपर बैटिंग करने आ रहा है और ब्राउन इससे नीचे आ रहा है दोनों मिडल ऑर्डर में कर रहे हैं दोनों हमारे पास स्मॉल लीग की बहुत सी चॉइस है और दोनों के स्टेट्स अगर बता आपको फायदा थोड़ा हो जाएगा चौबीस मैच में चौदह के एवरेज है बैटिंग से और बारह विकेट है देखा जाए तो इसकी विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी कम है चौबीस मैच में बारह विकेट है तो हर दो मैच में एक विकेट है और बैटिंग की कोई इतनी ज्यादा एवरेज है नहीं चौदह की एवरेज है ठीक है और दूसरे बात तेरह मैच में अट्ठाइस की एवरेज और 12 विकेट हर मैच में एक विकेट तो देखा जाए कंपेयर करोगे ना स्टेट्स की तो रेजिन ब्राउन ज्यादा बैटर निकल के आएगा हर एक मैच में एक विकेट की कैपेबिलिटी था और इसकी हर दो मैच में एक रन की एवरेज है हर दो मैच में एक विकेट और इसकी हर मैच में एक विकेट और यहाँ पे बैटिंग में इसकी अट्ठाइस की एवरेज है इसकी आधी चौदह की एवरेज है तो देखोगे ना तो रेजिन ब्राउन ज्यादा बैटर है बट बैटिंग में इसको ऊपर भेजा जा रहा है रेजिन ब्राउन से और दोनों दो दो ओवर कर ही रहे इसको बेहद विकेट मिल नहीं थी आज ही दो विकेट मिली है तो रेजिन ब्राउन ने एक मैच दो 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 मैच में आई थिंक विकेट निकाली भी तो रेजिन ब्राउन ज़्यादा बैटर लग रहा है मुझे आप इसके साथ भी जा सकते हो यहाँ पे उर्न थॉमस की बात की है उसने अभी तक तीन मैच में इसको दो तीन मैच में इसको बैटिंग में सेकंड डाउन भेजा गया है और काफी अच्छी बैटिंग करी है इसने तेज बीस पच्चीस रन मारे हैं आज इसको थोड़ा ऊपर प्रमोट किया फर्स्ट डाउन में तो आज ये दस बॉल पे तीन रन बिल्कुल ही खराब खेला दस बॉल पे तीन रन टीन टी टन जैसे फॉर्मेट में बहुत स्लो खेला तो वही है कि भाई इसके पॉइंट इतने कम दिख रहे हैं आज आपको अदरवाइज कल इसने बैटिंग बहुत अच्छी करी थी उससे फर्स्ट वाले उससे पहले वाले मैच में बैटिंग अच्छी करी थी और एक, एक मैच स्टार्टिंग में भी इतनी अच्छी बैटिंग करी थी मुझे यहाँ तक तो याद है ये वाला मैच पहला मैच था तो रिनेेल थॉमस आपके लिए एज अ बैट्समैन बॉलिंग नहीं करवा रहे थे बैटिंग के बेस पर टीम में खेल रहा है तो मैं इसको बैट्समैन की मैं अपनी टीम में रखना ही चाहूंगा क्योंकि बॉल नहीं डाल रहा तो मैं टी में थोड़ा बॉलर वगैरह के साथ थोड़ा प्रेफर करता हूँ टी पोप को बात की जाए तो टी पोप की बात करूं तो इसको पूरा मौका मिल रहा है बट आज इससे बॉलिंग नहीं करवाई अदरवाइज इस मैच से पहले इसको पूरे दो ओवर डालने का मौका मिल रहा था और प्लस बैटिंग में भी रेजिन ब्राउन और रिचर्ड्स से ऊपर आ रहा था तो पूरा फ्लॉप रहा बैटिंग तो मतलब मौके इसको पूरे मिले हैं करने का परफॉर्मेंस बट इसे फ्लॉप रहा टी पोप तो ये थोड़ा इसके लिए बैड लग रहा बाकी मुझे लगता है कि यही डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दोनों रेजिन ब्राउन और रिचर्ड्स और ग्रैंड लीग की रिस्की टीम में आपके लिए थोड़ी अच्छी पिक हो सकता है बट टी पोप यहाँ पे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए यू थोमस है लेना आता है ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना यहाँ पे डी जॉनसन बैटिंग में ठीक ठाक कर रहा है तीसरे चौथे नंबर पे और दो ओवर अपने कंप्लीट डाल रहा है अच्छा बॉलर है विकेट टेकर बॉलर है पंद्रह मैच में अट्ठारह विकेट है और आ, अच्छी बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है इसको हेटिंग वगैरह जे हैरी की बात करिए जब पहले मैच से दो ओवर कंप्लीट डाल रहा है और स्टार्टिंग के दो मैच स्टार्टिंग के तीन चार मैच में दो दो ओवर डाल रहा है उसको विकेट ही नहीं मिल रही थी और लास्ट टू तो लास्ट मैच में इसने दो विकेट ली थी और आज इसने दो या तीन विकेट ली थी और आज इसने फिर एक विकेट लिया तो अच्छा बॉलर है अपने कोटे के पूरे ओवर डाल रहा है पूरे बारह बॉल मिल रहे विकेट लेने के लिए तो देखा जाए तो अच्छा है आपके लिए स्मॉल लीग के लिए भी ग्रैंड लीग के लिए भी जी वी की बात करें जी वी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आने वाला है क्यों खेलता है ग्रैंड लीग के लिए क्योंकि इसका नाइन परसेंट सिलेक्शन रेट हो चुका है और पहला मैच था ना इसके अट्ठारह मैच में तीस विकेट है भाई टी ट्वेंटी में तो एक बहुत अच्छी एवरेज है हर मैच में दो पर, पर मैच में दो विकेट ले, लेता है, हर मैच में और पहले मैच में इसने चार विकेट ली थी जिसमें इसका सिलेक्शन रेट आई थिंक छब्बीस सत्ताईस था छब्बीस सत्ताईस उस मैच हमारी टीम में था तो उसके स्टेट्स से अठारह मैच में तीस विकेट पहले मैच का बिल्कुल तो इसको विकेट ही नहीं मिली तो उसको टीम से बाहर कर दिया लोगों का ध्यान है नहीं खेलता है बाई चांस कल तो ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ट्राई कर लेना सेफ ग्रैंड लीग और रिस्की ग्रैंड लीग दोनों टीम में ट्राई कर लेना आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट दिलवा सकता है आई थिंक जो हमारी रैंक आई थी उसमें मेंबर की वो उसने आई थी दो लाख में रैंक सेवन जिसमें मैंने वीडियो में बताया था कि जी विली के स्टेट्स वगैरह बताए थे और उसको हमने टीम मिला था ग्रैंड लीग में कैप्टन किया था इसे ब्रैक्सी ब्राउन हर मैच में एक विकेट ले रहा था एक ही ओवर डाल रहा था और एक विकेट ले रहा था और पर लास्ट मैच में क्या हुआ उसको एक एक ओवर डलवाया विकेट नहीं मिला और आज इसको दो ओवर डलवाया तो मुझे लगता है कल भी ये दो ओवर कंटिन्यू रखेगा और आज विकेट भी ले गया एक तो हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर मैं जा रहा हूँ मैंको के साथ मैकोई आपके लिए बहुत अच्छा बैट्समैन है वो बॉलर है इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है और इंडिया के साथ खेल चुका है बड़े बड़े प्लेयर के साथ खेल चुका है विश्ठ की बात की जाए बैटिंग भी अच्छी कर रहा है इसको ऊपर प्रमोट कर रहे हैं प्लस बॉलिंग अपने दो विकेट दो ओवर डाल रहा है और हर एक विकेट की एवरेज दो तीन विकेट हर मैच में ले रहा है तो काफी अच्छा प्लेयर है यहाँ पे आज थोड़ा ऑफर का दिन बाकी हर दिन इसका देखोगे तो बहुत गजब की बॉलिंग कर रहा है पहले मैच से तो यहाँ पे बात करते हैं अब तो इसके है नौ मैच में बारह विकेट चौदह मैच में बारह विकेट विकेट ज़्यादा अच्छे एस रॉबर्ट्स के हैं स्टैपल्टन ने एक मैच में मेडन भी डाला था तो ग्रैंड लीग में भी इतना मैं प्रेफर करूँगा नहीं ठीक है तो इसको थोड़ा इग्नोर ही करें इन दोनों को ज़्यादा मत ध्यान दो पर स्टैपल्टन अच्छा हो सकता है बट इसको परफॉर्मेंस का पूरा मौका मिला है बिल्कुल फ्लॉप रहा है अभी तक विकेट नहीं निकाल पा रहे यहाँ पे रॉबर्ट्स विकेट देकर थोड़ा लग रहा है नौ मैच और बारह विकेट अब यहाँ पे आपके पास बच्चे हैरी या ब्राउन आप स्मॉल लीग में मैं जा रहा हूँ हैरी के साथ जाना है ब्राउन के साथ जाना है तो हैरी भी सही है हैरी के क्यों जा रहा हूँ ब्राउन की जगह क्योंकि जो अपोनेंट टीम है ब्रैक्सी ब्राउन लूंगा तो इनके अपोनेंट टीम में जो है सुनील एम्बरन जैसा बैट्समैन है जो कि विकेट जल्दी देने वाला है हैनी नेडवी फॉर्म में है तो अगर मैं इसकी जगह लेता हूँ ब्रैक्सी ब्राउन तो वो आ जाएगा दूसरी टीम से तो मुझे लगता नहीं इतने जल्दी विकेट देने वाले हैं और आप और देखा जाए तो अपोनेंट टीम में जो इतने अच्छे बैट्समैन नहीं सिर्फ सैम्यल और हुपर अच्छा बैट्समैन है और फिर भी इतने नहीं है जितना हैमरी सबसे बेस्ट बैट्समैन है तो ये बस थॉट है अदरवाइज आप हैरी की जगह ब्रैक्सी ब्राउन ले सकते हो बाकी मेरे साथ हैरी अच्छा रहेगा अगर बैटिंग थोड़ा दिमाग लगा के खेलेंगे क्योंकि सुनील एम्ब्रिसन नेट अच्छे बैट्समैन है और उर्नल थॉमस भी अच्छी बैटिंग कर रहा है तो ग्रैंड लीग के लिए आपको दोबारा आता हूँ ग्रैंड लीग में आपको स्विन को ट्राई करना है रिस्की वाली में वॉकर को रिस्की वाली में ब्राउन सेफ ग्रैंड लीग हैक्टर स्मॉल लीग में ट्राई करते हो ग्रैंड लीग दोनों में लेन खेलता है तो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में थॉमस हो गया तो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में पोप रिस्की ग्रैंड लीग विले रिस्की ग्रैंड लीग लीग बाकी इन दोनों करूंगा थोड़ा इग्नोर फिलहाल मेरी टेम्प्रेरी टीम ये कैप्टन में करके जा रहा हूं एम्ब्रिस को वाइस कैप्टन में कर लूंगा यहाँ पे हुपर को तो मेरी टेम्प्रेरी टीम तो फिलहाल ये है और फाइनल टीम जो होगी आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ड्रीम इलेवन डॉक्टर के नाम से होगा और जो आपको ग्रैंड लीग के वाइस कैप्टन की चॉइस देता हूँ ग्रैंड कैप्टन वाइस कैप्टन ओबेद में कोई डब्ल्यू स्ट्रो काफ़ी इंप्रेस कर रखा है इस बंदे ने और यहाँ पे बाकी मैं इतना ये तो चल गए आज वो बात आ लगे बाद में जो लगता है रो रोज परफॉर्म करने वाले हैं नेड नेड को वाइस कैप्टन कर सकते हो बाकी ये तीन चार प्लेयर है एक दो तीन चार पाँच इन्हीं के बाद खेलना कैप्टन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मार देना शेयर कर देना कमेंट कर देना और चैनल के नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन होगा उसको दबा देना और उसको दबाने के बाद आपको घंटी दिखाई देगी बेल आइकन दिखाई देगा उसे दबा देना उसका फायदा यह है कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तो सबसे पहले आएगी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा सब कुछ फ्री है चैनल सब्सक्राइब करके जाओ कोई दिक्कत नहीं है और वीडियो लगी तो अच्छे लाइक वगैरह कर देना तो मिलता है एक नई वीडियो का ज्वाइन दोस्तों बाय बाय टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना